हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनीता देसाई के लाइफ एंड वर्क्स को। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अनीता देसाई के बर्थ को। अनीता देसाई वॉज बॉर्न ऑन 24th of June 1937 एट मसूरी, अ प्लेस विच इज अ ब्यूटिफुल हिल स्टेशन नियर देहरादून। तो अनीता देसाई का जन्म हुआ था 24 जून 1937 में, और इनका जन्म हुआ था मसूरी में, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, देहरादून के निकट मसूरी स्थित है। हर फादर वॉज अ बंगाली एंड हर मदर वॉज अ जर्मन लेडी। उनके जो फादर थे वो बंगाली थे और उनकी मदर जो थी वो एक जर्मन लेडी थी। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड सी यूज्ड जर्मन इन हर फैमिली विद हर सिस्टर ब्रदर एंड पेरेंट्स एट होम एज इट वॉज देयर फैमिली लैंग्वेज विच वॉज यूज बाई देम ऑल फॉर कन्वर्सेशन विद ईच अदर विद इन देयर फैमिली सर्कल। और अपने बचपन से ही अनीता देसाई ने जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्सेशन करती थी, वो जर्मन लैंग्वेज से ही बात करती थी अपने सिस्टर से, ब्रदर से और पेरेंट्स से, क्योंकि ये जो लैंग्वेज था जर्मन लैंग्वेज वो उनका फैमिली लैंग्वेज था, जो कि वे सारे लोग अपने फैमिली में यूज़ करते थे कन्वर्सेशन के लिए। ये तो अनीता देसाई का बर्थ के बारे में हो गया। अब देखते हैं अनीता देसाई के अर्ली एजुकेशन को। सी वेंट टू दिल्ली क्वीन मैरीज स्कूल फॉर हर अर्ली एजुकेशन एंड देयर आफ्टर सी स्टडीड इन मिरांडा कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फ्रॉम वेयर सी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन एंड गॉट हर बैचलर्स डिग्री इन इंग्लिश इन द ईयर 1957 एट द एज ऑफ अबाउट 20 ईयर्स। अनीता देसाई को दिल्ली भेजा गया था उनके अर्ली एजुकेशन के लिए। क्वीन मैरी स्कूल नाम था उस स्कूल का जहाँ पर अनीता देसाई का अर्ली एजुकेशन हुआ था, और उसके बाद अनीता देसाई को मिरांडा कॉलेज में भेज दिया गया था, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, जहाँ पर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उनका जो ऑनर्स पेपर था वो इंग्लिश था, उन्होंने बीए किया है इंग्लिश में मिरांडा कॉलेज से। ईयर बता दिया गया है 1957 में, और जब उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो उनका ईयर था 20 ईयर्स, और वो साल जो चल रहा था वो था 1957। अब अनीता देसाई के गुण को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मतलब कि अनीता देसाई को बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पसंद था, वो बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। सी वॉज रेदर वरेसियस रीडर एंड वाइडली रेड लिटरेरी बुक्स। अनीता देसाई को बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था, बहुत ही ज़्यादा बुक्स उन्होंने पढ़ा है, लिटरेरी बुक्स, साहित्यिक किताबें पढ़ी हैं उन्होंने। There is no such information on the basis of which we could conclude that she got any training in the field of writing which helped her in her career of novel writing। और ऐसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं उपलब्ध है जिसके बेसिस पर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सके कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग लिया था राइटिंग के फील्ड में, जो कि उन्हें उनके करियर में हेल्प कर सके। मतलब कि उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था कि उन्हें राइटिंग के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में अपना एज अ राइटर एक पोजिशन गेन करना है, एक फेम गेन करना है, तो उसके लिए उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया था, इसका कोई भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। She did not at all receive any formal training except for her personal reading and constant practice of regular writing। उन्होंने कोई भी ऐसी formal training नहीं लिया है, बल्कि उन्होंने खुद से ही reading किया है, किताबों को पढ़ा है, समझा है, और constantly उन्होंने practice किया है लिखने का। If we read her novels, we will come across that there is a poetic touch in her novels। और अगर हम लोग अनीता देसाई की लिखी हुई नॉवेल्स को पढ़ें तो हम लोग पाते हैं कि उनके नॉवेल्स में पोइटिक टच होता है। मतलब कि जिस तरह से एक पोएम को लिखा जाता है रिदम के साथ, एक मीटर के साथ, वैसे ही थोड़ा बहुत गुण देखने को मिलता है इनके नॉवेल्स में भी। बट हर टेम्परामेंट व्हेन केयरफुली सीन इन एक्चुअली प्रोजाइक विच शोज दैट शी वॉज एक्सपर्ट विद पोइट्री एंड प्रोज। बट जब उनके टेम्परामेंट की हम लोग बात करें, उनके स्वभाव, उनके नॉवल के स्वभाव की बात करें, तो वो प्रोजाइक होता है, ना कि पोइटिक होता है, जो कि दिखाता है दैट सी वॉज एक्सपर्ट विद बोथ पोइट्री एंड प्रोज, जो कि ये बताता है कि अनीता देसाई जो थी वो दोनों में ही एक्सपर्ट थी, पोइट्री में भी और
प्रोज में भी, क्योंकि उनके नॉवेल्स को पढ़ के हम लोग को ऐसा फील होता है जैसे कि उसमें कुछ पोएटिक गुण भी हो, पर उनका जो टेम्परामेंट की बात करें तो हम लोग पाते हैं कि वो एक्चुअली पोएटिक नहीं, प्रोजाइक है। अब देखते हैं इनके अर्ली राइटिंग्स को। व्हाइल शी वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट शी पेंट फ्यू स्टोरीज विच वर पब्लिश्ड इन हर कॉलेज मैगजीन। जब वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी तो उन्होंने कई सारी स्टोरीज लिखी जो कि पब्लिश हुई थी उनके कॉलेज मैगजीन में। सी ऑल्सो पेंट फॉर द राइटर्स वर्कशॉप जनरल एंड एन इंग्लिश मैगजीन कॉल्ड एनवॉय। और उन्होंने कुछ, अनीता देसाई ने राइटर्स वर्कशॉप जनरल और इंग्लिश मैगजीन जिसका नाम था एनवॉय उसके लिए भी लिखा है। हर फर्स्ट नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1963। अनीता देसाई का जो फर्स्ट नॉवल था वो 1963 में पब्लिश हुआ था। सी रोट नॉवेल्स ऑन अ स्मॉल स्केल इन हर 20s और उन्होंने अपने 20s के उम्र में काफ़ी नॉवेल्स भी लिखे थे। अब देखते हैं अनीता देसाई के लिटरेरी अचीवमेंट को। बिंदुलता चौधरी पॉइंट्स आउट डैट द लिटरेरी करियर ऑफ अनीता देसाई बिगेन विथ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। बिंदुलता चौधरी जो है वो पाती है कि अनीता देसाई ने अपने करियर की शुरुआत किया था स्टोरी राइटिंग से। उन्होंने शॉर्ट स्टोरी को लिखना शुरू किया और यहीं से उनके एज अ राइटर उनका करियर स्टार्ट हुआ। हर स्टोरीज वर फ्रॉम टाइम टू टाइम पब्लिश्ड इन द आउटस्टैंडिंग इंडियन मैगजीन्स विच पॉपुलराइज्ड हर नेम अमॉन्ग हर स्टोरी रीडर्स। और उनके जो स्टोरीज हुआ करती थी शॉर्ट स्टोरीज वो पब्लिश हुआ करती थी इंडियन मैगजीन्स में, और उनका जो पब्लिकेशन होता था स्टोरीज का उसी से उनका नाम जो है वो पॉपुलर हुआ इस लिटरेचर की दुनिया में स्टोरी रीडर्स के बीच में। हर फर्स्ट स्टोरी वॉज सर्कस कैट एली कैट वॉज पब्लिश्ड इन 1957 इन थॉट। अब अगर बात करें कि उनका जो फर्स्ट स्टोरी क्या था तो उसका नाम है सर्कस कैट एली कैट जो कि 1957 में पब्लिश हुआ था और ये पब्लिश हुआ था थॉट मैगजीन में। हर सेकेंड स्टोरी हाउ जेंटली इन द मिस्ट वॉज पब्लिश्ड इन द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। और ये जो नाम है हाउ जेंटली इन द मिस्ट ये उनका सेकेंड स्टोरी है जो कि पब्लिश हुआ था द इल्यूस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में। अब देखते हैं इनके फैमिली लाइफ के बारे में। हर फैमिली लाइफ, बिंदुलता चौधरी कमेंट्स डैट नॉट मच इज नोन अबाउट द लाइफ एंड आर्ट ऑफ अनीता देसाई। अनीता देसाई वॉज मैरिड टू अश्विन देसाई एंड सी इज मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन नाउ। बिंदुलता चौधरी बताती है कि अनीता देसाई के लाइफ के बारे में उतना कुछ पता नहीं है और ना ही उनके आर्ट के बारे में, बट अनीता देसाई अश्विन देसाई से उनकी शादी हुई थी और अभी वो 4 बच्चों की माँ है। बिंदुलता ऑब्जर्व डैट अनीता टू बी एन अफेक्शनेटली एंड गुड मदर बट ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ टाइम सी टैक्टफुली साइलेंट एंड इग्नोर्स स्पीकिंग एज फार एज पॉसिबल। अनीता देसाई के बारे में बिंदुलता चौधरी बताती हैं कि अनीता देसाई एक गुड मदर है, काफ़ी अफेक्शनेट है वो अपने फैमिली से, बट बहुत सारे टाइम में वो क्या करती है, वो इग्नोर करती है स्पीकिंग को, वो उतना ज़्यादा बोलती नहीं है और जितना हो सके उतना वो स्पीकिंग को अवॉइड करती है, इग्नोर करती है। इनके फैमिली लाइफ के बारे में जानने के बाद अब देखते हैं इनके रीनोन एंड रिकॉग्नाइजेशन को, इनकी पहचान और मान्यता को। फॉर हर क्रिएटिव राइटिंग इन दिस फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सी हैज बीन रिस्पेक्टेड विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड। इंग्लिश लिटरेचर में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए अनीता देसाई को कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। द साहित्य अकेडमी अवार्ड इज द फर्स्ट इन द सीरीज विच रिसीव्ड फॉर हर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन। इनका एक नॉवल है फायर ऑन द माउंटेन और इस नॉवल के लिए अनीता देसाई को द साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था और इसी नॉवल के लिए इन्हें और भी कई सारे अवार्ड दिए गए थे जिनमें सबसे फर्स्ट आता है यही अवार्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। दिस नॉवल ऑल्सो वॉन द रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर्स विनफ्रेड हॉल्ट बाय मेमोरियल प्राइज एंड ऑल्सो द 1978 नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड फॉर हर नॉवल। और फायर ऑन माउंटेन नॉवल के लिए ही अनीता देसाई को रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर्स अवार्ड भी दिया गया है और इसके साथ ही साथ इन्हें मिला है
1978 का नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स अवार्ड. लेटर सी हैज बीन अवार्डेड विद द ऑथर्स गिल्ड अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन राइटिंग फॉर वेयर शैल वी गो दिस समर. अनिता देसाई का एक नॉवल है वेयर शैल वी गो दिस समर, इस नॉवल के लिए उन्हें नवाजा गया है ऑथर्स गिल्ड अवार्ड से. नेक्स्ट है हमारा हर टू नॉवेल्स क्लियर लाइट ऑफ डे एंड इन कस्टडी आर टेकन फॉर बुकर प्राइज. इनका दो और नॉवल है, पहला है क्लियर लाइट ऑफ डे और दूसरा है इन कस्टडी. ये दोनों जो नॉवल है इन्हें बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है. इफ सी कंटिन्यूज राइटिंग डेलिजेंटली वी कैन होप सी विल बी ऑनर्ड फॉर हर एक्सेलेंस. और अगर अनिता देसाई इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखते जाएं तो ऐसा संभावना है कि उन्हें उनके एक्सेलेंस के लिए और भी अवार्ड से नवाजा जाए और भी अवार्ड्स उन्हें प्रोवाइड किए जाएं. यहाँ पर हमारा अनिता देसाई के लाइफ एंड वर्क्स पर वीडियो ख़त्म होता है. इस वीडियो के बाद इन कस्टडी के समरी को या फिर इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया जाएगा. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. Thank you for watching the video.